फ्रेंड्स, मैं सारी और इसमें मतलब ईंधन को बंद कर देंगे। नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल पर एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने दर्शकों के लिए बैंगन का भरता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेसिपी में मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ। तो ये 500 ग्राम बैंगन है फ्रेंड्स, ये एक ही बैंगन 500 ग्राम का है। और एक टमाटर है, थोड़ी सी लहसुन, 5-6 कली लहसुन होगा, और थोड़ी सी अदरक लिए हैं। और ये धनिया का पत्ता है, और 2 मिर्ची है, और 1 प्याज है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो 500 ग्राम बैंगन है, इसको 2 टुकड़ों में काट ले रहे हैं। इस बैंगन में एक भी बीज नहीं है। तो चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग बैंगन को पका ले रहे हैं। बैंगन पकाने के लिए ये लोहे का जाली है फ्रेंड्स, इस जाली का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें बैंगन को रख देंगे और धीमी आंच पे इसे पकाना है। धीमी आंच कर दे और अच्छे तरीके से चारों तरफ पलट पलट के पकाएं। और इसके साथ ये टमाटर भी डाल दे, एक टमाटर जो है। तो चलिए सबसे पहले टमाटर और बैंगन को पका ले रहे हैं। और ये एक तरफ पक गया फ्रेंड्स, इसे आप पलट कर पकाएं। चारों तरफ पकाना है पलट पलट कर। और एक बात आपको बताना भूल गई थी फ्रेंड्स, बैंगन टमाटर को धो लिए थे अच्छे तरीके से, तब आग में डाले हुए हैं पकने के लिए। और जब भी फ्रेंड्स आप कुकिंग करते हैं तो आप शुद्धता का अधिक ध्यान दें। फ्रेंड्स, बैंगन टमाटर को अच्छे तरीके से पका चुकी हूँ। ये देखिए चारों तरफ से पक गया है, इसे अब एक बाउल में डाल देंगे। और इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, जो कि छिलका ऊपर का जो ये पार्ट है काला काला वाला परत, ये आसानी से निकल जाए। तो पानी डालने से फ्रेंड्स ये देखिए कितना आसानी से ऊपर का जो ये काला वाला पार्ट है आसानी से निकल जा रहा है। इसी तरह से आप छिलका ऊपर का उतार लीजिए। पका हुआ बैंगन टमाटर को फ्रेंड्स पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना, नहीं तो आपका भरता का स्वाद थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप पानी में डालिए और छिलका को उतारिए। तो चलिए छिलका को उतार ले रहे हैं। सारे बैंगन टमाटर का छिलका उतार चुकी हूँ फ्रेंड्स। और ये डंठल जो है, ये डंठल को आप आसानी से एक चाकू के सहारे से काट लीजिए इस तरह से। और इसमें जो गूदा लगा है इसको भी आप निकाल लीजिए, सिर्फ डंठल को निकालना है। फ्रेंड्स, मैं सारे बैंगन टमाटर का छिलका उतार चुकी हूँ। अब चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो ये लहसुन और अदरक जो था फ्रेंड्स, इसे उखल में डाल लेंगे, इसे कूटना है। और ये 2 मिर्ची जो था इसे भी डाल लेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना है तो आप इसमें 2-4 मिर्ची और भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे कूट लेते हैं। इस तरह से आप भी कूट लें फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं लहसुन अदरक को क्रश कर चुकी हूँ। ईंधन पर एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें आप सरसों का तेल डाल दें 4 से 5 चम्मच तक। तेल गर्म होने के बाद फ्रेंड्स इसमें हींग डाल दें थोड़ी सी, इसी जीरा डाल दें। जीरा हींग पकने के बाद फ्रेंड्स ये क्रश किया हुआ जो अदरक और लहसुन मिर्ची जो था इसे भी डाल देंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे सारे चीज को। और इसमें आप प्याज डाल देंगे और प्याज को भी ब्राउन होने तक पका लेंगे। सारे सामग्री को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे,
स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। धनिया पत्ती को भी अच्छे तरीके से मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये बैंगन टमाटर जो पका हुआ था इसे भी डाल देंगे। और इसे स्मैश कर लेंगे थोड़ा बैंगन टमाटर को। और इस तरह से आप भी फ्रेंड्स स्मैश कर ले मसाले के साथ बैंगन टमाटर को, तभी आपका भरता जो है स्वादिष्ट बनेगा। और फ्रेंड्स स्मैश करके और एक मिनट के लिए इसे ढककर पका लें। तो एक मिनट के लिए ढक दे रहे हैं और ढककर इसे पका लें एक मिनट के लिए। फ्रेंड्स एक मिनट हो चुका है, अब इसे देख ले रहे हैं भरता का हुआ कि नहीं हुआ। तो भरता बनकर तैयार है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भरता बना है। फ्रेंड्स इस तरह से अपने घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये भरता की रेसिपी कैसी लगी। अब ईंधन को बंद कर देंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जितने भी मेरे नए दर्शक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स को बाय, धन्यवाद।